जल्दी ही इंडियन मार्केट में आपको टाटा मोटर्स की तरफ से एक न्यू अपकमिंग एसयूवी टाटा ब्लैकबर्ड का लॉन्च देखने को मिलेगा। एंड रिसेंटली टाटा ब्लैकबर्ड के कुछ स्पेशल्स भी क्लियर हो चुके हैं, जिस बात से हमें ये पता लगता है कि टाटा ब्लैकबर्ड का लॉन्च इंडियन मार्केट में ज्यादा दूर नहीं है। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाटा ब्लैकबर्ड इंडिया में एग्जैक्ट किस डेट पे लॉन्च होगी, किस प्राइस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगी, कैसे फीचर्स प्रोवाइड करेगी एंड कैसे इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन ऑप्शन, सब के बारे में जानेंगे बिट बाय बिट का डिटेलिंग के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए आए हो, वीडियो पे पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर से रखना, ताकि जब ब्लैकबर्ड और कार्स की इंफॉर्मेशन आए वो पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अगर हम पहले इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इंटीरियर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम रहने वाला है। मतलब इस सेगमेंट में आपको ऐसी कोई कार नहीं देखने को मिलेगी जो कि ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करे। आपको फुल लेदर का फिनिश स्टीयरिंग व्हील, सनरूफ, गियर नॉब, सीट्स पे देखने को मिलेगा, ऑल ब्लैक आपको जेट देखने को मिलेगा, मतलब ब्लैक अपहोल्स्टर्ड लेदर की आपको देखने को मिलेगी, जो कि इंटीरियर में ब्लैकबर्ड को काफी ज्यादा प्रीमियम साबित करने वाली है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम एक्सटीरियर लुक्स के बारे में बात करें तो एक्सटीरियर लुक्स भी काफी ज्यादा आपको बल्कि बोल्ड हैरियर जैसी मिलेंगी। मतलब ओवरऑल एक प्रॉपर एसयूवी रहने वाली है, हैरियर एंड सफारी जैसी आपको एक्सटीरियर में लुक देखने को मिलेगी। लेकिन इंटीरियर में काफी ज्यादा नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में आपको 10.2 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से ज्वाइन होने वाली है, मतलब ये ट्विन टच स्क्रीन रहने वाली है। एंड उसके साथ साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा जो कि इलेक्ट्रिकली काम करेगा। एंड उसके साथ साथ एप्पल एंड्रॉयड कारप्ले देखने को मिलेगा, टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, एसी वेंट्स, डीसीटी गियरबॉक्स, मतलब वो सभी फीचर्स, प्रीमियम फीचर्स आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में नहीं देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करें तो आपको इसमें 2.4 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 180 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा। एंड ये कार फ्रंट व्हील ड्राइव कार रहने वाली है, मतलब जो ये इंजन है ये काफी ज्यादा पावरफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको काफी ज्यादा नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड जो इसमें दूसरा इंजन ऑप्शन है वो है 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि आपको 250 bhp की पावर प्रोड्यूस करके देगा। एंड वही अगर हम इसकी सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करें तो टाटा की हर कोई कार 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है, एंड ये कार भी 5-स्टार रेटिंग लाएगी। एंड इसमें आपको टाटा हैरियर का बेस मॉडल में 6 ईयर बैग्स, ABS भी, DVD, ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो ये कार लेंथ में 4.2 मीटर, विड्थ में 1.8 मीटर रहने वाली है एंड हाइट में 1.6 मीटर रहने वाली है। वहीं अगर हम इसके व्हील बेस के बारे में बात करें तो ये कार 2.6 मिलीमीटर की व्हील बेस दिखेगी, R18 के अलॉय व्हील्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम इसके प्राइस पॉइंट के बारे में बात करें तो 10-15 lakhs इसका प्राइस रहने वाला है, और ये काफी ज्यादा कम रहने वाला है, क्योंकि यार इसके फीचर्स तो भाई रेंज रोवर से भी ज्यादा मेरे को लगते हैं, क्योंकि यार इतने ज्यादा प्रीमियम टाटा एक तो सेफ्टी भी आपको फुल देती है, इंटीरियर में फीचर्स भी फुल दे रही है, एंड प्राइस पॉइंट क्या रखा गया है 10-15 lakhs एक शोरूम प्राइस, मतलब दूसरी कार हुंडई, सुजुकी, टोयोटा की कार से तो काफी ज्यादा अच्छा है। एंड वही अगर हम लॉन्च के बारे में बात, तो इस साल के फेस्टिवल सीजन तक यानी कि आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों में से टाटा ब्लैकबर्ड का लॉन्च इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाए, जो कि काफी ज्यादा कंफर्म है। एंड अगर आपको इस पे और नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।